विद द सॉल्विंग ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो स्पॉटिंग एरर्स से हम शुरू करेंगे। इट वाज नियरली 30 इयर्स अगो सिंस दिस मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। सो सिंस नहीं लगेगा दैट दिस मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। इट हैज बीन 30 इयर्स सिंस दिस मैगजीन फर्स्ट पब्लिश्ड, ये हो सकता है, पर इसमें कोई गलती नहीं है तो हम इसको गलती मानेंगे। It was nearly 30 years ago that this magazine was first published. Second, 10 years ago he was having an income. Having nahi beta, wo kha nahi raha tha apni income. He had an income of over 10,000 rupees a month. A aayega isme. In spite of the fact that the meeting was about to end, he insisted ke sath on lagta hai aur uske baad ask nahi, insisted on asking. इंसिस्टेड ऑन, जब फिर ऑब्जेक्ट उठाएगा तो एक जेरंड उठाएगा, जेरंड के फॉर्म में वर्ब उठाएगा, आईएनजी फॉर्म में उठाएगा, आस्किंग बनेगा। हार्डली हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर्ड इनटू नहीं होता बेटा, हमने देखा है एंटर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये आंसर आएगा यहाँ पे। आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम फॉर सीइंग यू, व्हेन आई केम टू सी यू, केम फॉर सीइंग यू नहीं, केम टू सी यू, यहाँ केम टू सी यू आएगा। You do not come for something, you come to do something. I came for a job. उसके बाद अलग चीज हो जाएगी कि उसके लिए आया था। The number of jobs that would be satisfactory in all respects are small. It's small. The number of jobs that are satisfactory is small. The number of something becomes an uncountable noun, then again a singular. So is small. The number of jobs is small. I have found the man whom I know is the thief. अच्छा आंसर क्या आएगा? I know he is the thief. I know she is the thief. तो ही शी नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस के लिए हुम नहीं हु यूज करते हैं। तो आई फाउंड द मैन हु आई नो इज द थीफ, सेवंथ का बी। एट्थ, देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट कम सिंस ही इज इन टाउन एंड इज फ्री, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर्स देयर। इट इज हाई टाइम वी क्राइड अ हॉल्ट टू द एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द एजुकेशनल स्फीयर, इट इज, आई एग्री। नाइन्थ वन ऑल्सो, देयर आर नो एरर्स, सो डी। इट इज हाई टाइम, हाई टाइम के साथ हमें याद है पास्ट टेंस ही यूज करते हैं हम, सिंपल पास्ट। द सिचुएशन इज पेरिलस, दैट मींस डेंजरस, बट इफ वी एक्ट आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली, वी आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली नहीं, प्रॉम्प्टली हम प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रिपेयर्ड है हम एक्ट करने के लिए प्रॉम्प्टली, टू एक्ट प्रॉम्प्टली, वी आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली मतलब हम लोग जल्दी से तैयार हैं एक्ट करने के लिए, नहीं हम तैयार हैं जल्दी से एक्ट करने के लिए, तो प्रॉम्प्टली या नहीं यहाँ आएगा। देर इज स्टिल वन चांस टू एस्केप, बी इज द ऑप्शन हियर। Alright, let's have synonyms now. एक जैसे amity. We should always try to maintain and promote communal amity. Amity मतलब एक एकता, विनम्रता, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार. Friendship is the best option here. Alright, many species of animals have become extinct. Extinct क्या? Non-existent. During the last 100 years, गायब भी हो गई हैं, non-existent हो गई हैं, मरी गई हैं बेचारी. True religion does not require one to proselytize through guile, or proselytize मतलब convert. तो आप convert करते हैं जब proselytization, उसमें Christians जो convert करते थे आगे Christianity में, और Islam जो convert, कोई भी अगर अपने धर्म, अपने धर्म नहीं, धर्म एक है बेटा, धर्म मतलब नियम, नियम सबके लिए एक हैं, पूरे संसार के नियम एक हैं, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, अच्छे काम करोगे तो खुशी प्राप्त करोगे, नहीं करोगे तो दुख प्राप्त करोगे, कटेगा तो चोट लगेगी तो दर्द होगा, खून बहेगा, ये नियम जो है सभी के लिए, इसको धर्म कहते हैं। बाकी जो ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, और संप्रदाय में अगर कोई भी अपने संप्रदाय में अगर किसी को जबरदस्ती डालने का प्रयास कर रहा है तो उसको प्रोसेलिटाइजेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन। द प्लान इज बोथ इनह्यूमन एंड प्रीपोस्टरस, नीड्स नो फर्दर प्रूफ। प्रीपोस्टरस मतलब एब्सोल्युटली अब्सर्ड, absolutely doesn't make any sense. So 14th absurd is what the correct answer is. Preposterous, 14th absurd. Absurd matlab vahiyat. Preposterous vahiyat. The attitude of the Western countries towards the third world country are the callous, to say the least. Callous is unfeeling. 15th D, unfeeling. जैसे अगर आपको पता होगा जो जिम विम करते हैं, आपके यहाँ पे जो हार्ड हो जाता है तो उसके बाद उसमें फील नहीं होता है, दर्द नहीं होता है यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड अ कैलिस। कैलिस मतलब अनफीलिंग, वहां पे तो कोई फीलिंग नहीं बचती है और बिल्कुल नंब हो जाती है वो जगह, सुन्न पड़ जाती है और थिक हो जाती है, तो कैलिस दे मतलब अनफीलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, एपेथेटिक है, इंडिफरेंट है। व्हाटएवर द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री मे बी, चैपलिन विल ऑक्यूपाई यूनिक प्लेस इन इट्स पेजेस। वर्डिक्ट मींस जजमेंट, जजमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।
corroborated the statement of his brother, corroborated is confirmed, कि उसने जो बोला वो उसकी स्टेटमेंट कंफर्म कर रहा था कि हाँ वो भी सच बोल रहा था, जो वो ये बोल रहा है भाई वो बोल रहा था. व्हाटएवर ओपिनियन गिव्स अ सेन, सेन मतलब रैशनल, समझदारी वाली, जिसका कोई सेंस निकलता है, इट मेक्स सम सेंस. द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, क्रेडिबल मींस बिलीवेबल. 19th ए, बिलीवेबल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. कैचिंग स्नेक्स कैन बी हैजर्डस, हैजर्डस इज हार्मफुल. 20th बी, हार्मफुल, डेंजरस विल बी द बेटर ऑप्शन हियर बिकॉज़ इट इज देयर. फिर से ये गलती मेरी तरह ना करिएगा, सारे ऑप्शंस पहले देखिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है. हार्मफुल भी है, हैजर्डस, पर साथ में डेंजरस इज द बेटर वर्ड, क्योंकि हैजर्ड मतलब डेंजर होता है. तो यस, हार्मफुल बट आल्सो डेंजरस इज द बेटर वर्ड. एंटोनिम्स, लेट्स डू एंटोनिम्स, फाइव ऑफ देम. हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच वाज अप्लॉडेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ द ऑडियंस. अप्लॉड मतलब उसका बहुत वाहवाही की गई, प्रेज्ड. सो डिसअप्रूव्ड विल बी द ऑपोजिट हियर, ऑपोजिट्स करने हमें 21st का ए. In ancient India, scholars had no interest in political power. Material growth. Material का opposite spiritual. Material होता है जो भौतिक है, spiritual होता है आध्यात्मिक. ये दोनों एक दूसरे के opposites होते हैं. 23rd, the friendly dog met us at the farm gate. Friendly का opposite हो जाएगा hostile. Hostile मतलब unfriendly. Hostile territory जिसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे आपके enemies हैं, जहाँ आपको खतरा है. He is extremely intelligent but proud. Intelligent का opposite ignorant. Or dull. Let's see, 24th. Dull will make more sense because intelligent, ignorant ka hoga opposite, wise or knowledgeable. Knowledgeable or learned. Learned. Ye iske antonyms ho jayenge. Par intelligent ka opposite dull hoga, kyunki ho sakta hai koi intelligent ho par ignorant ho. Kyunki zyada pata na ho uske bare mein, par intelligent hai, dimag acha kaam karta hai usko aur jaldi seekh jayega. Dull matlab dheema. Jisko pata bhi ho bhi to matlab badi mushkil se pata hoga aur kam hi dheere hi seekhega. A young leader was reluctant to shoulder responsibility. The young leader was reluctant. Reluctant मतलब उसको मन नहीं था करने का, हिचक रहा था वो करने से. Responsibility of ministerial officer. तो willing इसका opposite हो जाएगा 25th B. We had done 5. Now we have to do 6. So he abandoned. Abandoned मतलब छोड़ के चले जाना. तो छोड़ के चले जाना का opposite यहाँ पे supported is the best option. 26th supported. Supported. History abounds in instances of courage. Abounds means shines or is shown or रहती है वहां पे ज्यादा मात्रा में. तो lacks. History abounds in instances of courage मतलब history में बहुत सारे instances हैं शौर्य के, courage के, हिम्मत के अंदर बहादुरी के. और lacks मतलब कमी है. History lacks in instances of courage मतलब history में कमी है ऐसे उदाहरण के. इंस्टेंसेस मतलब भाई अफसर, यहाँ पे कायरता दिखाई दी, उसके में भी अफसर ज्यादा हैं, इसलिए वो लैक्स कह रहा है कि बहादुरी के अफसर कम हैं. एडवर्सिटी टीचर्स मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट. एडवर्सिटी इज द सेम एज एनिमोसिटी. एनिमोसिटी मींस हेट्रेड, एडवर्सिटी मींस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लमैटिक टाइम्स. ऑपोजिट इज प्रॉस्पेरिटी. एडवर्सिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एडवर्सिटी मतलब तकलीफ है, कष्ट. Like poverty, affluence can sometimes create its own problem. Poverty होता है गरीबी, अत्यंत गरीबी. Affluence मतलब बहुत ज़्यादा अमीरी, मतलब अच्छा खासा अमीर होना. तो opulence is also the same thing. The opposite here is indigence. Indigence also means poverty or being poor. The habit of squandering. Squandering मतलब फर्जी, बेकार करना, बर्बाद करना, फालतू स्पेंड करना, फालतू खर्चा करना. 30th का opposite इसमें हो जाएगा be hoarding. होर्डिंग मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, फालतू में इकट्ठा करना. सो बी इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट हियर. सिलेक्टिंग वर्ड्स. नाउ वी गॉट अ ग्रामर सेक्शन हियर ऑन आवर हैंड. वी विल सिलेक्ट वर्ड्स. यू हैवंट हैड योर लंच येट. आपको याद होगा क्वेश्चन टैग्स में से ऑपोजिट कर देते हैं उसका, ऑक्सिलरी का हैवंट का ऑपोजिट हैव हो जाएगा. ऑपोजिट मतलब नेगेटिव ऑपोजिट. सो हैव, यू हैवंट हैड योर लंच येट, हैव यू? लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू pain. So, ये आपका थोड़ा AFCAT जैसा क्वेश्चन आया है यहाँ पे. AFCAT में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. AFCAT में कैसा दिखता है ये? AFCAT में दिखता लाइफ, डेथ, प्लेजर, डैश, और फिर ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं. तो लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू पेन. प्लेजर इन पेन साथ में बोलते हैं, लाइफ डेथ जैसे साथ में बोलते हैं. सफरिंग भी हो सकता था पर पेन इज द बेटर वर्ड, क्योंकि कोलोकेशन के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से पेन इज वॉट इज यूज विद प्लेजर. सफरिंग इज यूज फॉर कम्फर्ट. With comfort mostly. The French dash reputed to have a very good sense of humor. The French are reputed. The French
या तो वर होता विल बी रिप्यूटेड, ऐसा नहीं है कि होंगे, ऐसा है, दे आर ऑलरेडी रिप्यूटेड टू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. द फ्रेंच आर रिप्यूटेड टू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. प्लीज एंड थैंक यू आर द लिटिल कर्टेसीज बाय विच वी कीप द डैश ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्मूथली. तो किस चीज को आप ऑयल करते हैं, तेल किस चीज में डालते हैं आप उसको सही से चलते रहने के लिए, मशीन में डालते हैं भाई. तो मशीन बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्मूथली. अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है ग्रामर की और साथ में वोकैबुलरी की भी. तो लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लासिक लिटरेचर जो भी ऑथर्स है, रोल्ड डाल हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए, ऑल ऑफ दोज पीपल, प्लीज बी रीडिंग देयर शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल्स एज मच एज यू कैन. जस्ट रीड ICSE बुक्स, ICSE की जो इंग्लिश बुक्स होती हैं फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक की, वो सारे आप पढ़ लो, स्टोरीज वोरीज उसमें, स्टोरीज और पोएम्स, उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा. 35th many of the advances of civilization have been conceived by young people just on the threshold of adulthood, just on the threshold of adulthood, matlab bilkul adulthood ki seema par hi the ki bas ab hone hi wale the adult, by young people on the just on the threshold of adulthood, ya to adult already the abhi bane hain ya hone wale hain, threshold matlab seema hoti hai, so threshold is the better option. baki sab bhi lag sakte boundary of adulthood, peak horizon, par wahi hai literature mein hame pata chalta hai ki threshold is the better word for this. The more your action and thought are allied and integrated. Yes. 36th C. The more your action and thought are allied and integrated. Allied and integrated मतलब आपके जो कर्म है और आपकी जो सोच है वो एक दूसरे से संगत में है और मिली जुली है. The happier you grow. वरना आप द्वंद में जीने लगोगे. मन में अगर आपको ये लगता है कि वायलेंस सही चीज नहीं है और आपको एक कसाई बना दिया जाए, आप जीवन भर द्वंद में जियोगे, क्योंकि आपकी सोच जो है वो अहिंसा की है पर कार्य आपका रोज हिंसा का है. तो जो द्वंद उत्पन्न होगा आपकी सोच और आपके कार्य में, वो आपको बेहद दुखद रखने में समर्थ रहेगी यदि आप अपने आप को ना समझा पाए तो. और क्यों करना भाई ऐसा कठिन कार्य, ऐसी फर्जी का फ्रिक्शन अपने अपने ही अंदर, ऐसा द्वंद पैदा करने का क्या मतलब है? आप जो सोचते हो अपने सोच के अनुसार ही अपने कर्म रखो, कर्मों के अनुसार अपनी सोच भी विकसित करने का प्रयास करो. He dashed in wearing the old fashioned coat in spite of his wives. He insists in wearing, he persists in, he resists, desists. He insists on wearing, होता है insists के साथ, so we will do persists because in के साथ persists होता है. Best यहाँ पे insists होता है, पर insists के साथ जो preposition use होता है वो insists on wearing, so persists is the best because preposition के हिसाब से persists is the only one that matches. He persists in wearing the old-fashioned coat in spite of his wife's disapproval. कि वो लगातार पहन रहा है वो old-fashioned cloth, हालांकि उसकी पत्नी को, उसकी अर्धांगिनी को वो पसंद नहीं है, मना करती है उसको. It is not what you say that dash, but what you do. It is not what you say that matters, but what you do. कि मायने वो नहीं रखता जो आप कह रहे हो, पर वो रखता है जो आप कर रहे हो. कहता कितने भी रहो कि मैं प्यार आपसे, सोचो आप कितना भी कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हो या अपने दोस्तों से या अपने भाई बहन से या जिससे भी, कि आप अंदर तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं सबसे प्यार करता हूँ, पर आपके एक्शंस, बोलने में आपकी जबान कड़वी है, कार्य आप उनके कुछ आते नहीं हो, इज्जत आप उनकी करते नहीं हो, तो आपके मन में आपको लग रहा है नहीं ये मेरा तरीका है प्यार दिखाने का, नहीं ये बेवकूफ़ी है. देखो तरीका नहीं होता बेटा प्यार दिखाने का, प्यार दिखाने के कोई अपने अपने तरीके नहीं होते हैं. दूसरे व्यक्ति की खुशी में खुशी प्राप्त करना और उसका बेहतर चाहना, वो प्राप्त वो होता है प्यार, और वो सिर्फ सोचने में नहीं कर्मों में होता है. कि आप जो बोल रहे हैं वाणी जो आपकी निकल रही है वो भी प्यारी मधुर है, और जो आप कर्म कर रहे हैं उनके लिए, कार्य कर रहे हैं आप उनके लिए कुछ, तो वो दिखता है प्यार. प्यार एक्शंस, लव लव इज एन एक्शन एंड नॉट एन इमोशन, प्लीज रिमेंबर दैट. महसूस करने से नहीं होता है प्यार, करने से होता है, कार्य करने से होता है. फिजिकली वी आर नाउ ऑल नेबर्स बट साइकोलॉजिकली वी आर डैश टू ईच अदर, वी आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. यस, कि शारीरिक रूप में भौतिक स्तर पर तो हम लोग सब एक दूसरे के आसपास हैं, सब हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, परंतु मानसिक स्तर पर साइकोलॉजिकली वी आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हैं, और सत्य भी है. पॉल द ओल्ड नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट होती है. नेचर वर्सेस नर्चर मतलब जो पैदा हुआ है व्यक्ति, उसके अंदर बसी हुई है उसकी खूबियां और उसकी खामियां, या फिर जो भी उसके साथ होता है जीवन भर में, जो भी अनुभव वो लेता है और जो भी चीजें वो सीखता है, जो भी शिक्षा वो प्राप्त करता है, उसके कारण उसके अंदर खूबियां और खामियां आती हैं. तो नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट यही है. नेचर का मतलब कि व्यक्ति पैदा होता है अपने स्वभाव के साथ, नर्चर कहता है कि नहीं व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति जब पैदा होता है तो कोरा कागज होता है और उसका स्वभाव बनता है,
और कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बैलेंस होता है दोनों के बीच में, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा होते ही हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो स्वभाव बनता है आपके उसके द्वारा, अनुभवों द्वारा। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एज द पार्टीज फेल टू रीच एनी अग्रीमेंट द मीटिंग डैश, द मीटिंग ब्रोक अप, द मीटिंग ब्रोक थ्रू, नहीं यू ब्रेक थ्रू। अ ब्रेक थ्रू मतलब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, सोल्यूशन निकाल पाना किसी कठिन प्रॉब्लम का जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। ब्रोकअप, ब्रेकआउट, ब्रोकआउट भी होता है, ब्रेकआउट ऑफ कोरोना वायरस, कोई वायरस वायरस कोई बीमारी ब्रेकआउट होती है। ब्रोक अवे मतलब टूट के अलग हो जाना, ब्रोकअप मीटिंग, ब्रोकअप मतलब अलग अलग, वो मीटिंग रुक गई है, रुक गई। इफ आई रीच देयर बाय दिस टाइम, इफ आई हैड रीच देयर बाय दिस टाइम, आई विल, इफ आई रीच देयर, अभी हमने देखा कंडीशन सेंटेंसेस का, इफ के साथ अगर दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में है तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा, तो इफ आई रीच देयर होगा 40 सेकंड का भी। देखो अभी डायरेक्टली हम लोगों ने एप्लीकेशन भी देख लिया कंडीशनल सेंटेंसेस का, और इसके सेंटेंसेस आते ही हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली आता ही आता है एग्जाम में। ऑलराइट, माय फ्रेंड मेट मी अनएक्सपेक्टेडली व्हेन आई वाज लुकिंग, यस वाज लुकिंग फॉर अ टैक्सी डेस्परेटली, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ टैक्सी डेस्परेटली। सो बी My friend met me unexpectedly or ran into me, came across me. Ran into or came across is done previously. Meeting unexpectedly and suddenly. Her learning makes up for her want of beauty. Her learning makes up for her want of beauty का मतलब क्या है? Makes up for मतलब उसकी पूर्ति, कमी की पूर्ति कर देती है। किस चीज की कमी? उसकी खूबसूरती की कमी, जो उसकी सुंदरता में कमी है वो उसकी शिक्षा पूरी कर देती है। और मेकअप भी याद रखिएगा, आप मेकअप वेकअप अगर लगाती है भाई सब, मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना, तो मेकअप का मतलब कमी पूरी कर रहे हैं, जो सुंदरता आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिली है भगवान के द्वारा, उसकी कमी पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। पर याद रखिए सुंदरता त्वचा में नहीं कर्मों में होती है, आपके सोच में होती है और श्योर आपके स्वास्थ्य में होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सुंदर होंगे ही होंगे, स्वस्थ व्यक्ति की जो त्वचा है वो भी चमकती है, स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग चमकता है, बढ़ता है, उसका जो शारीरिक हाव भाव होता है वो सबको भाता है, स्वस्थ व्यक्ति के साथ खुशियां भी चलती हैं, खुश व्यक्ति के साथ हर कोई रहना चाहता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस और क्या। सो फॉर हो जाएगा मिक्सअप, फॉर यू मेकअप फॉर समथिंग, यू मेकअप फॉर अ कमी, किसी चीज की कमी पूरी कर दे तो मेकअप फॉर For you होता है उसके साथ। Alright, now you have, he got his enemy in his hand, he would have crushed him. Oh, अब would के साथ में देखा तो would have के साथ क्या? He had got, would have you होता है past perfect के साथ, अभी conditional sentence हमने देखा, एक और conditional sentence आ गया देखो, would have का structure जो था if के साथ क्या लगता है? Past perfect लगता है, had got, if he had gotten, और gotten भी हो सकता था, got का जो three word third form होता है, अब लिखा नहीं है उसमें तो it's okay. If he had got his enemy in his hand, he would have crushed him to death. That is what it is. 45th C. All right. Please ask your son to turn off the radio so that it is not quite so loud. It is absolutely turn down, turn off. Nahi quite so loud. Will read turn off the radio so it is not quite so loud. Turn off ka matlab ho jayega band karna. Par yahan pe wo keh rahi hai ki usko kuch aisa kaho ki wo itna tez na ho. To band karne ko nahi keh rahi hai. Turn down karne ko keh rahi hai. Matlab धीमा करने को कह रही है वॉइस को, तो टर्न ऑफ सही होता वैसे, पर आगे का जो सिस्टम है, आगे का जो सेंटेंस है उसको देखते हुए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि टर्न ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्न ऑफ करके तो शांति हो जाएगी। अगर ये लिखा होता प्लीज आस्क यू टर्न ऑफ द रेडियो सो दैट वी कैन हैव सम पीस, सो दैट वी कैन हैव सम क्वाइट, तब हो जाता टर्न ऑफ। ही सेड दैट व्हेन आई हैव वर्कड फॉर हिम फॉर 6 मंथ्स आई वुड गेट अ पे। ओ ही सेड दैट व्हेन आई वुड हैव वर्कड फॉर हिम फॉर 6 मंथ्स आई वुड हैव वर्कड, सो व्हेन आई हैव वर्कड नहीं, हैव वर्कड नहीं, When I had worked, क्यों भाई would get, ये देखो would get, would वाला तो past had worked, इसे दिन बनाए had worked, he said that when I had worked for him for 6 months I would get a pay rise, when I would have had worked, would have had worked should be the one. B. I think the NDA made a mistake here. They are saying A is the correct answer. I doubt it. I would say he said that when I would have had worked for him for 6 months, I would get. क्योंकि would get यहाँ पे would plus V1 है. Would plus V1 में हमने देखा conditional sentences के लिए present perfect use होता है. Present perfect have had worked है. If I had worked, if I have had worked.
When I have worked. Said that when I have worked. Alright, we'll go with the India answer for now. We'll say A. And then if there is any trouble in this, maybe I'll get back to you if I find something else. So he said that when I had worked for him for 6 months, I would get a pay rise. When I worked for him for 6 months, I would get a pay rise. This is correct. 47 should be D. There's some confusion here. I think we will peg it down to an incorrect question for this. I am looking forward to joining your organization. Absolutely, that's correct. Looking forward to, हम लोग कर चुके हैं इस चीज को. Looking forward to अपने आप में और उसके बाद जिरंड आएगा. Looking forward to joining your organization. Looking forward to meeting. ING form आएगा मतलब. ये हम लोग ने देखा हुआ है ING form आना. Verbs advanced में. If you don't remember, please go back and revisit that lecture, and you will see. I'm looking forward to joining your organization. I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to coming there. I'm looking forward to ING for my girls. I'm not sure why she is wanting to see me. No, why she wants. She is not wanting. ये भी हमने देखा था want वाला जो verbs होते हैं वो ING form में इस तरह से use नहीं होते हैं. वो want या wanting नहीं लग सकता है. Wants ही लगेगा. I'm not sure why she wants to see him. A. And the last question for today. Everybody who finished writing can go home. So, Avi, again, we saw that once you've done your work, you can go home. Has finished is the correct word. Everybody who has finished, already done, can go home. So, can, jab humne use kiya tha uske saath, we saw present perfect, has finished, can go home. C is the correct option. Yeah. All right, so that's that for today, and I will see you in the next one.